तो दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों आज यानी कि 17 तारीख को थर्ड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, नहीं किया गया, वो जारी किया जाने वाला है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि कल अचानक कॉलेज जो रिसेट करने का जो डेट था 16 तारीख तक था, यानी कि रात को 12 बजे तक। उसके बाद अचानक 5 बजे ही आपका क्लोज कर दिया गया। इसके बाद अब रिजल्ट आने वाली है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि रिजल्ट भी आने में भी टाइम लगा सकते हैं। हो सके तो आज शाम 5 बजे तक आपको रिजल्ट लाया जाएगा कॉलेज अलॉटमेंट का, थर्ड काउंसलिंग का, या हो सके तो कल आपको मॉर्निंग में लाया जाएगा। दोस्तों अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होती है तो अच्छी बात है, आप सभी लोग अपने यूनिवर्सिटी में जाकर काउंसलिंग करा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। उसके बाद अगर जिन लोगों का कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है तो आप लोग घबराए नहीं, आप सभी लोग मेरे चैनल से बने रहे। आप सभी को मैं एडमिशन दिलाऊंगा स्पॉट राउंड के थ्रू। तो स्पॉट राउंड क्या है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगी, तो चलिए दोस्तों पूरा स्पॉट राउंड का जो प्रोसेस है, कैसे कैसे क्या करना है, वो आपको जानना जरूरी है। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो आप स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो चलिए इस प्रोसेस की पूरी बातों को जान लेते हैं, तो चलते हैं शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं मेरी स्क्रीन पर रिवाइज ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल दोस्तों है, जो जारी किया गया था, जहां पर आप सभी लोग को ऑलरेडी पता होगा। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जो ये आपका डेट जारी किया गया, ये थर्ड काउंसलिंग का है। तो दोस्तों स्पॉट राउंड में वही लोग एंट्री कर पाएंगे जिन लोग को थर्ड काउंसलिंग तक कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ है, वो सभी लोग स्पॉट राउंड, मतलब कि क्या, डायरेक्ट जाके कॉलेज में जहाँ सीट खाली है आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक और बात दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो लोग फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग के दौरान जिन लोग को एडमिशन स्लिप कट गया, यानी कि एडमिशन स्लिप मिल गया है और वो उन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, तो वो लोग स्पॉट राउंड में इंट्री नहीं कर पाएंगे, यानी कि उन लोग को स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन नहीं मिल पाएगा। यानी तो मतलब सिंपल सा है कि आप सभी को थर्ड काउंसलिंग तक अगर एडमिशन नहीं मिलती है तो आप सभी एडमिशन ले सकते हैं स्पॉट राउंड के थ्रू। तो चलिए पूरी बात को डिटेल से जान लेते हैं। उससे पहले तो आपको मेरे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप थ्रू मैसेज करके बिहार बीएड एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। अब तो मैंने एक ग्रुप बना दिया जहाँ पे गर्ल्स का बॉयज का ग्रुप अलग है, तो आप उस ग्रुप में ऐड होने के लिए भी इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही तो आप सभी को कहने पर मैंने स्पॉट राउंड के लिए कुछ कॉलेज में कंसल्ट किया है। अगर आप चाहते हैं उस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना तो जितना जल्दी कीजिएगा उतना जल्दी आपको एडमिशन होगी, क्योंकि सीट बहुत कम रहेगी, कैंडिडेट बहुत ज्यादा रहेगा। तो जितना जल्दी आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, जितना जल्दी आपको मैं एडमिशन दिलाने में हेल्प करूंगा। तो इसी नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन के लिए, जहां पे मैं आपको आसानी से एडमिशन दिला सकता हूं। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके तो आप मुझे व्हाट्सएप थ्रू मैसेज कर दीजिएगा। और इसी बीच वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मारो, और साथ ही तो इस वीडियो को इतना फैलाओ ताकि जिन लोगों को थर्ड काउंसलिंग तक अगर एडमिशन नहीं मिल पाता है तो वो स्पॉट राउंड के थ्रू मेरे द्वारा किसी न किसी तरह से एडमिशन ले लें। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को फैला दो अपने दोस्तों साथ। फिर दोस्तों अब आते हैं स्पॉट राउंड को पूरा डिटेल से समझा देते हैं। ये रहा यहाँ से स्टेट स्पॉट राउंड काउंसलिंग, ठीक है, फिजिकली, यानी कि स्पॉट राउंड का टोटल डिटेल्स आपको यहाँ पर बताया गया है 25 तारीख से, यानी 25 दिसंबर से आपका क्रिसमस के दिन से आपका जो है स्पॉट राउंड का प्रोसेस चालू हो जाएगी। सबसे पहले आपको डिस्प्ले ऑफ द वैकेंसी, मतलब क्या है कि 25 दिसंबर को डिस्प्ले ऑफ द वैकेंसी, यानी कि टोटल फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग के बाद जितना भी एडमिशन फुल हो जाएगी, उसके बाद जो भी सीट बचेगा टोटल ऑफिशियल वेबसाइट में वैकेंट सीट आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा ललित नारायण के द्वारा। वहां पर आपको दिखा देगा कि किस किस कॉलेज में कितना कितना सीट फुल हो चुकी है और स्पॉट राउंड के लिए कितना कितना सीट अवेलेबल है। तो आपको उसी के दौरान आपको आइडिया हो जाएगी कि इस कॉलेज में इतना सीट खाली है ताकि मैं उस कॉलेज जाकर एडमिशन ले सकूं। और तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप सभी को स्पॉट राउंड के लिए मैं कुछ अपने तरफ से भी आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ, तो आप मेरे द्वारा भी एडमिशन ले सकते हैं। तो नंबर दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप थ्रू मैसेज कर लीजिएगा या हो सके तो कॉल भी कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको 25 तारीख को कॉलेज अलॉटेड कर दी, 25 तारीख को डिस्प्ले कर जाएगी आपको वैकेंट सीट। उसके बाद क्या है, जैसे ही आप वैकेंट सीट देखिएगा उसके बाद तो नेक्स्ट है सेकंड, जो आप देखते हैं डेट ऑफ काउंसलिंग एंड पार्ट फी पेमेंट। यहाँ पर दोस्तों इस दिन 16 से 30 तारीख के बीच आपको दो काम होगा। पहला काम क्या होगा, यहाँ पे आपका काउंसलिंग भी किया जाएगा एंड देख सकते हैं यहाँ पे एंड लिखा हुआ है पार्ट फी पेमेंट। यहाँ पे आपको पेमेंट भी करना होगा फी, जो आपको डीडी के रूप में, डीडी क्या होता है, आप बैंक में जितना अमाउंट का डीडी बनाना चाहते हैं वो बना के आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये डीडी आपको बैंक के द्वारा बनेगी, ठीक है। दोस्तों ये यहाँ पर डीडी ग्रुप में कितना अमाउंट दिया जाएगा अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं काउंसलिंग वन, काउंसलिंग टू, काउंसलिंग थ्री में आपको बताया गया था कि काउंसलिंग के दौरान 3000 रुपये लगेगी, यहाँ पर अभी डीडी का कोई भी अमाउंट जारी नहीं किया गया। मेरे ख्याल से हो सके तो आपका अमाउंट जो है 3000 रुपया यहाँ पर भी आपको देना होगा, लेकिन कितना देना होगा तत्काल मैं अभी अपने अंदाजा से बोल देता हूँ 3000। आगे ऑफिशियल अपडेट आएगी या
जिस दिन 26 तारीख आएगा उस दिन अपडेट कर दी जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि इतना का डीडी आपको बनाकर जाना है। तो सबसे पहले तो आपको 25 तारीख को जो सीट खाली पर चल जाएगी, उसके बाद 26 से 30 तारीख के बीच आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज जाइएगा, डायरेक्ट आप वहां पर काउंसलिंग कर लीजिएगा। काउंसलिंग के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको पता नहीं ऑलरेडी, मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, आप जाकर देख लीजिएगा मेरे चैनल से। वहां पे आपको काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, देन आपको वहां पे पार्ट फी जो पेमेंट करना होगा आपको पेमेंट कर देना। उसमें दोस्तों नेक्स्ट है जो थर्ड, आप देखते हैं कि कंसोलिडेटेड लिस्ट सबमिशन बाय द कॉलेज, यानी कि कॉलेज के द्वारा आपका जो लिस्ट है वो सबमिशन किया जाएगा 31 तारीख को, यानी कि 31 दिसंबर को, यानी कि लास्ट का सबसे अंतिम दिन आपको जमा किया जाएगा, यानी कि फाइनली जो आपका फोर्थ राउंड का जो अंतिम प्रोसेस है वो 31 दिसंबर को है, जहां पर जितने भी कॉलेज है वो सभी कॉलेज अपना लिस्ट जमा करेगा स्पॉट राउंड के थ्रू, कितने कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया, कितने कितने कैंडिडेट्स ने मेरे कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो वो फाइनली फॉर्म को फिल कर देंगे 31 तारीख को, और हो सके तो 31 तारीख को इसे ये प्रोसेस डन किया जाएगा। उसके बाद जो आपका एडमिशन का प्रक्रिया है पूरी तरह से वहीं पे क्लोज, यानी कि आपको स्पॉट्रॉन के थ्रू वहीं पे एडमिशन मिल जाएगी। मतलब क्या है कि अब आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल चुकी है स्पॉट्रॉन के थ्रू। दोस्तों ये थी आज की प्रोसेस, जहां पे पूरी बात डिटेल से बता चुका हूँ। बाकी जो देखते हैं यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, मतलब क्या कहना गया कि क्लास आपका कब से शुरू होगी, तो इसका बात तो हम बाद में करेंगे। तत्काल बताता हूँ कि अभी कोरोना को लेकर और लॉकडाउन को लेकर मामला थोड़ा गंभीर है, जब तक ये आपका वैक्सीन क्लियर नहीं हो जाती है तब तक आपका क्लास नहीं चलेगी, तो क्लास की बात बाद में करते हैं। तत्काल दोस्तों आपका स्पॉट रन का जो प्रोसेस है फाइनली आपको 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो पूरी तरह से डिटेल से बता चुका हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से तक देखते हैं तो आप सारी बातों को समझ जाएंगे। इसी बीच वीडियो को पसंद इसी बीच वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों शेयर कर देना, और जो नंबर दिया गया इस नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप थ्रू मैसेज करके आप मेरे द्वारा किसी न किसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो प्लीज इस सुविधा को इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाइए और एडमिशन ले लीजिएगा। तो वीडियो के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।